दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, मुझे लगता है कि बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आजकल सूचना क्रांति के इस दौर में हमसे ज्यादा मालूम हमारे पत्रकार साथियों को होता है, तो बेहतर ये होगा कि आप सवाल पूछें, मैं आपका जवाब दूं। लेकिन आप सवाल कहाँ से पूछेंगे और आपके मन में कौन से सवाल चल रहे हैं, इसका थोड़ा सा अंदेशा है, मुझे थोड़ा अंदाजा भी है। सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपने पत्रकारिता की उस मिसाल को जिंदा रखा है कि कम से कम विपक्ष से तो सवाल करते हैं ना, ताकि इस देश को याद रहे कि पत्रकारों का काम है सवाल पूछना। तो मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, जितना सवाल आप पूछना चाहते हैं पूछिएगा, बारी बारी से पूछिएगा, सारे सवालों का जवाब दूंगा। बस एक सवाल का जवाब जो मुझे लगता है कि आप सबके मन में होगा कि आप कांग्रेस पार्टी क्यों ज्वाइन की है, उस सवाल का जवाब दे करके मैं हमारे जो अध्यक्ष हैं उनकी तरफ मुखातिब होऊंगा, माइक उनको समर्पित करूंगा। मैं कांग्रेस पार्टी इसलिए ज्वाइन कर रहा हूं कि मुझे यह महसूस होता है कि इस देश में कुछ लोग, वो सिर्फ लोग नहीं हैं, वो एक सोच है। वो इस देश की सत्ता पे ना सिर्फ काबिज हुए हैं, इस देश की चिंतन परंपरा, संस्कृति, इसका मूल्य, इसका इतिहास, इसका वर्तमान और इसका भविष्य खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो सोच है, उस सोच के बारे में आप अपने आप समझ जाएंगे, क्योंकि कहीं मैंने पढ़ा था कि आप अपने दुश्मन का चुनाव कीजिए, अपने विपक्ष का चुनाव कीजिए, दोस्त अपने आप बन जाएंगे। तो हमने ये चुनाव किया है, हम इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, सबसे लोकतांत्रिक पार्टी, मैं जोर देकर के बोल रहा हूं लोकतांत्रिक पार्टी, ताकि आप लोग परिवारवाद पे सवाल जरूर कीजिएगा, लोकतांत्रिक पार्टी में हम इसलिए शामिल होना चाहते हैं कि हमको लगता है, और सिर्फ हमको नहीं लगता है, इस देश के लाखों करोड़ों नौजवानों को यह लगने लगा है कि अगर कांग्रेस नहीं बचा तो देश नहीं बचेगा। और यह बात मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, देश में प्रधानमंत्री अब भी हैं, देश में प्रधानमंत्री इससे पहले भी थे, देश में आगे भी प्रधानमंत्री होते रहेंगे। लेकिन आज जब हम लोग श्री राहुल गांधी जी के उपस्थिति में फॉर्मली कांग्रेस पार्टी का फॉर्म भर रहे थे, तो साथी जिग्नेश ने संविधान की कॉपी दी और हमने उनको भगत सिंह, गांधी और अंबेडकर की तस्वीर प्रस्तुत किया, क्योंकि हमारा यह मानना है कि आज इस देश को भगत सिंह की वीरता की जरूरत है, भगत सिंह के साहस की जरूरत है, आज इस देश को अंबेडकर की समानता की जरूरत है, और आज इस देश को गांधी की एकता की जरूरत है। गांधी जब कहते हैं रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, ये गांधी की एकता है। जब अंबेडकर कहते हैं कि किसी भी समाज का मूल्यांकन वहां महिलाओं की क्या स्थिति है इस बात से होगा, तब वो समानता की वकालत कर रहे होते हैं। मैं नहीं मानता हूं कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर किसी एक समुदाय के नेता थे। कांग्रेस पार्टी ने, संविधान सभा ने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान बनाने की जिम्मेवारी दी, और उस संविधान के प्रियम्बल में यह लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, इसमें समानता, न्याय के मूल्य निहित हैं। और जब भगत सिंह कहते हैं कि आप व्यक्ति को कुचल सकते हैं, विचारों को नहीं, आप बम और पिस्तौल से कभी इनकलाब नहीं ला सकते हैं, उस साहस की जरूरत है हमको। मुझे नहीं लगता है, मेरे बहुत सारे राजनीतिक दोस्तों को यह लगता है, मुझे लगता है कि यह देश 47 से पहले वाली स्थिति में चली गई है,
लेकिन जिनको लड़ना है उनके पॉलिटिकल इमेजिनेशन में आज भी हर कोई अपना अपना शोरूम बचाने के चक्कर में है। रे भाई, मॉल में आग लग गया है, दुकान बचाओगे? बस्ती में जब आग लग जाती है ना, बेडरूम की चिंता नहीं करनी चाहिए। आज हम इस मुहाने पे खड़े हैं कि इस देश के भीतर भारतीय होने की जो पहचान है, जिसमें बुद्ध निहित हैं, जिसमें कबीर निहित हैं, जिसमें नानक निहित हैं, जिसमें हर बार हर दौर में सत्ता से सवाल पूछने का साहस होता है, उस भारतीय चिंता परंपरा चिंतन परंपरा को बचाने की जरूरत है। इसीलिए हम कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो गांधी की विरासत को लेकर के आगे चलेगा। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो सरोजनी नायडू के विचारों को लेकर के चलेगा। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो अम्बेडकर, नेहरू, अशफाकुल्ला खान, शहीद आजम भगत सिंह और मौलाना अबुल कलाम के आज़ाद के रास्तों पे चलेगा। हम जब भी समानता और बराबरी की बात करते हैं, यह कुछ व्यक्तियों तक सीमित नहीं है, यह भारतीय होने का इतिहास है। और इस भारतीय होने के इतिहास को अपने आप में यदि कोई समेटे हुए है तो देश की सबसे पुरानी पार्टी है। और जो लोग कह रहे हैं विपक्ष कमजोर हो गया है, यह सिर्फ विपक्ष के लिए चिंता की बात नहीं है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, कोई शास्त्र कोई किताब उठा करके देख लीजिए, जब विपक्ष कमजोर हो जाता है सत्ता तानाशाही रुख अख्तियार कर लेती है। इसीलिए देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी, मैं कोई गुना गणित नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे यह बात सीधे तौर पर समझ में आ रही है कि देश के लोकसभा में 545 सीट हैं, 200 लगभग सीट ऐसे हैं जहां भाजपा के सामने कांग्रेस के अलावे कोई विकल्प नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी जिम्मेवारी सिर्फ एक पार्टी के लिए है, लेकिन जो पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उस पार्टी को अगर नहीं बचाया गया, अगर बड़े जहाज को नहीं बचाया गया, छोटी छोटी कश्तियां भी नहीं बचेगी। इसीलिए, और मैं जब यहां बैठा हुआ हूं, मेरे इतिहास को, मेरे वर्तमान को लोग देख रहे हैं, बहुत सारे सवाल हैं, वो आएंगे, उनका जवाब मैं दूंगा, लेकिन यह जो ऐतिहासिक जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी से मैं अपना मुंह नहीं मोड़ सकता हूं। मैं जहां पैदा हुआ, जिस पार्टी में पला बढ़ा, उसके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। उसने मुझे सिखाया, पढ़ाया, लड़ने का जज्बा दिया है, लेकिन उस पार्टी के साथ साथ मैं उन लाखों करोड़ों लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जो किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे। अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में जब हम लोगों के ऊपर अनावश्यक आरोप मढ़े जाते हैं तो अपने दोस्तों से लड़ रहे थे, अपने घरों में डिनर टेबल पर लड़ रहे थे, लोगों की दोस्तियां टूट गई हम लोगों के आंदोलन के समर्थन में, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, लोगों के डिवोर्स तक हो गए। ये जो देश में एक वैचारिक संघर्ष छिड़ा है, उस वैचारिक संघर्ष को कांग्रेस पार्टी ही नेतृत्व दे सकती है, यह हमारा भरोसा है। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि हमारे देश के जो लाखों करोड़ों नौजवान आपके माध्यम से सुन रहे हैं, उनसे भी मैं आग्रह कहता हूं, दीवार पर बैठकर टुकुर टुकुर मुंह ताकने का वक्त नहीं है, ये अर्जेंसी का टाइम है। और इस अर्जेंसी के टाइम पे दीवार पे बैठ करके दायां जाएं कि बायां जाएं, ये मत सोचिए। जब आप जंग में होते हैं तो आपके पास जो अवेलेबल चीजें होती हैं आप उससे मुकाबला करने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस पार्टी एक बड़ी जहाज है, अगर कांग्रेस पार्टी बचेगी तो हमारा मानना है इस देश के लाखों करोड़ों नौजवानों की आकांक्षाएं बचेंगी, गांधी की मीमांसा बचेगी, भगत सिंह के सपनों का भारत बचेगा और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की समानता का भारत का निर्माण संभव हो पाएगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं इस पार्टी से जुड़ा हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को एक लोकतांत्रिक पार्टी कहती है, आज़ादी के साथ अपनी पूरी मुखरता के साथ सत्ता से सवाल पूछना और लोगों के हक के लिए लड़ना फिरना संघर्ष करने में हमारे साथी रहेंगे, हमारे सहयोगी रहेंगे। और ये परिवार, संघ परिवार नहीं,
वो क्या परिवार जो परिवार छोड़कर परिवार बनाना पड़े, वो परिवार जो आपको परिवार छोड़ने के लिए नहीं कहता है, कहता है कि अपने परिवार में रहिए। अरे महात्मा गांधी कस्तूरबा गांधी को लेकर के अंग्रेजों से लड़ गए, बताइए इनको अपना घर छोड़ना पड़ा, कोई जरूरी है क्या? घर परिवार के साथ रहना है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी अपने परिवार के साथ रहते थे। आप जितने बड़े लोग हैं उनका इतिहास उठा करके देख लीजिए, सब लोग अपने परिवार के साथ रहते थे। वो परिवार छोड़ करके बनने वाला परिवार नहीं, न्याय बराबरी और संघर्ष के लिए इस परिवार में मैं शामिल हुआ हूँ। सभी सदस्यों के प्रति, देश के अंदर फैले हुए लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं को अपना आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। मैं अब जिग्नेश भाई से प्रार्थना करूंगा कि वो अपनी बात कहेंगे। जिग्नेश जी आ जाएगा। साथियों, जो कहानी गुजरात से शुरू हुई, उस कहानी ने पिछले 6-7 साल में इस मुल्क में क्या उत्पात मचाया है, वो अब आपके हमारे सबके सामने है। एज अ नेशन, एक राष्ट्र के तौर पर हम एक अनप्रेसिडेंटेड अभूतपूर्व क्राइसिस से गुजर रहे हैं। ऐसा संकट इस मुल्क ने पहले कभी नहीं देखा। हमारे संविधान पर हमला है, दिल्ली की सड़कों पर संविधान की कॉपी को जलाया जाता है, हमारे आइडिया ऑफ इंडिया पर हमला है, हमारे देश के लोकतंत्र के ऊपर हमला है। आज भाई भाई एक दूसरे का दुश्मन बन जाए, उतना जहर नफरत एक सोची समझी साजिश के तहत दिल्ली और नागपुर साथ में मिलकर फैला रहे हैं। इस परिस्थिति में एक पॉलिटिशियन के तौर पे नहीं, बतौर एक भारतीय नागरिक, मैं अपने आप को ये जब सवाल पूछता हूं कि मेरा फंडामेंटल फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी क्या होना चाहिए, तो अंदर से जवाब यही आता है, कुछ भी करके इस मुल्क के संविधान, लोकतंत्र और आइडिया ऑफ इंडिया को बचाना चाहिए। और यदि उसको बचाना है तो मुझे उनके साथ खड़े रहना है जिसने स्वतंत्रता के आंदोलन में न केवल कंट्रीब्यूट किया है, उसको लीड किया है, अंग्रेजों को यहां से खदेड़ कर दिखाया है। और इसीलिए आज मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की इस मंच पर आपके साथ खड़ा हूं। एक टेक्निकल कारण के चलते मैं फॉर्मली पार्टी इसलिए ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक निर्दलीय विधायक हूं। इफ आई ज्वाइन अ पार्टी आई मे नॉट कंटिन्यू एज एन MLA। मेरी पार्टी के सीनियर लीडर से बात हुई, मेरे मतक्षेत्र के साथियों से बात हुई, अपने आप से बात हुई, राहुल जी से बात हुई, तो मुझे लगा कि मैं इस विचार के साथ हूं ना, ये सबसे प्रमुख बात है। मैं इस मुहिम, इस मिशन और इस संघर्ष के साथ हूं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। बाकी की फॉर्मेलिटी तो आने वाले महीनों में भी हो जाएगी। और राहुल जी ने भी कहा कि वो जो पर्चा भर के सदस्य लेने की बात है वो तो कल भी कर लेना, अभी अपने मतक्षेत्र के लोगों के साथ खड़े रहो। तो मैं फॉर्मली नहीं लेकिन इस विचार के साथ आज जुड़ चुका हूं और 22 का चुनाव में कांग्रेस के सिंबल से ही लड़ूंगा, उसके सारे कैंपेन्स का हिस्सा रहूंगा। और गुजरात के संदर्भ में आज साथी हार्दिक हमारे बीच में मौजूद है, तब कहना चाहता हूं कि आज राष्ट्रीय स्तर पे जो हो रहा है वो सब कुछ हम लोग गुजरात में देख चुके हैं, झेल चुके हैं। आप सभी पत्रकार साथियों के बीच में बड़ी चिंता के साथ ये कहना चाहता हूं, हमारी पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया है कि 3,000 किलो का ड्रग्स 15-20 लाख बेरोजगार युवा को नशे की चुंगाल में फंसाने के लिए अदानी के एयरपोर्ट पर उतर रहा है। आज जब महंगाई और बेरोजगारी उसके चरम सीमा पर है, तब गुजरात और देश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के बजाय ये फांसीवादी ताकतें चाहती है कि रोजगार तो ना मिले, उनको नशे के हवाले में झोंक दिया जाए। तो इन सारी परिस्थितियों में यदि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बचाना है, हमारे आइडिया ऑफ इंडिया को बचाना है, भगत सिंह को जब मुकदमे की कार्यवाही के दौरान पूछा गया कि क्रांति क्या है, तब शहीद आजम ने कहा था कि क्रांति से हमारा मतलब है किसानों और मजदूरों के हाथ में सत्ता। माननीय प्रधानमंत्री जब अमेरिका से वापस आते हैं तो भाई विस्टा का काम ठीक ठाक चल रहा है ना, नई पार्लियामेंट का, वो देखने के लिए जाते हैं, किसान को मिलने के लिए नहीं जाते। तो किसान हो, मजदूर हो, दलित हो, आदिवासी हो, महिलाएं हो, सबके ऊपर एक जो अनप्रेसिडेंटेड हमला है, इसको रोकने के लिए
मैं भारत की जनता को, भारत के 21 करोड़ दलितों को और सारे लाखों करोड़ों युवाओं को अपील करता हूं, सेंस ऑफ अर्जेंसी के साथ, अभी वक्त नहीं है, कूद पड़िए, एक नया आंदोलन छिड़ने वाला है। स्वतंत्रता के आंदोलन की जो रौनक थी, वो जो चार्म था, वो जो माहौल था, हमको वो रिक्रिएट करना पड़ेगा। यहां पर तमाम वो लोग जो सचमुच मानते कि देश को बचाना है, उन सभी को हम अपील करते हैं कि इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़िए, ये एक मिशन है। और हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।